होम फूड रेसिपीज एंड गाइस, सो आज हम बनाने वाले हैं बिस्किट सैंडविच। एंड गाइस, बिस्किट सैंडविच आपके लिए बहुत हेल्दी होता है, उसमें बहुत हेल्दी इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिस्किट सैंडविच बनाना। तो फर्स्ट गाइस, हमें हमारे 5 to 10 बिस्किट्स चाहिए, मोनाको बिस्किट, जो हमारे सॉल्टेड बिस्किट्स होते हैं मोनाको के, वो वाले चाहिए। एंड देन हमें थोड़ी सी टोमेटो सॉस चाहिए होगी, जो मैंने इस बॉटल में रख दी है, थोड़ी सी है, ठीक है। देन हमें छोटे वाली बारीक जो सेव आते हैं ना, बिल्कुल बारीक वाले, लाइक दिस गाइस, ये छोटे वाले सेव ना, बिल्कुल बारीक वाले, ये वाले आपको यूज करने हैं सेव। देन हम अपने हाफ टोमेटो यूज करेंगे इसमें, 1/2 onion, 5 to 10 पीसेस गाइस हमने लिए हैं पनीर के। एंड देन हमारा 1 कटा हुआ क्यूकम्बर चॉप्ड। देन गाइस, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने बिस्किट सैंडविच बनाना। फर्स्ट गाइस, हमें जो चाहिए होगा वो है हमारे मोनाको बिस्किट। देन गाइस, अब हम अपने जो है ना क्यूकम्बर के पीस, हमारे 1 पीस हम यहाँ पर रखेंगे। देन गाइस, हम अपना जो चॉप टोमेटो था उसके 1 पीस कर रखेंगे। अगर हम बहुत सारे पीसेस रख देंगे तो बहुत गंदा सा लगेगा, उसका लुक अच्छा नहीं आएगा। देन गाइस, हम अपना सॉरी गाइस, मैंने गलती से आपको बता दिया, फर्स्ट अपना पनीर रखेंगे, देन उसके ऊपर हम अपना टोमेटो का 1 पीस रखेंगे। देन गाइस, हमारी जो चॉप अनियन थी ना, फिर हम वो रख देंगे कुछ इस तरह से। गाइस, आप देख रहे हैं ना, इस तरह से। एंड देन हम अपने टोमेटो सॉस लगाएंगे। हम थोड़ी सी ड्रॉप लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगाएंगे। लाइक दिस गाइस। देन हमारे जो बारीक वाले सेव थे ना, फिर हम इसमें वो स्प्रिंकल करेंगे थोड़े थोड़े। गाइस, जब आप जो ना टोमेटो सॉस लगाते हैं, तो फिर हमारी जो जैसे लिक्विड फॉर्म है सॉस, तो इसके ऊपर हमारे सेव टिक जाते हैं, नहीं तो वो गिर जाएंगे, जिस तरह से कुछ यहाँ पे स्पेल हो गए हैं। गाइस, ये मेथड आप यूज कर सकते हैं अपने और सब बिस्किट के साथ। और मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि आप जो है ना इसमें अलग अलग, जैसे हमने क्यूकम्बर यूज किया है, वैसे आप जैसे कोई भी ग्रीनरी के वेजिटेबल है, इस तरह से जो आपको पसंद हो, मैंने जैसे इसमें क्यूकम्बर, टोमेटो, अनियन यूज किया है, आप वो भी यूज कर सकते हैं गाइस। और आपके जो डिपेंड है आपके ऊपर, जो भी आपको वेजिटेबल अच्छा लगे, बट आपको जो भी वेजिटेबल लेनी ना, वो चॉप छोटी छोटी चॉप करके लेनी, तो ये छोटा बिस्किट है ना, इसके ऊपर टिकेगी नहीं। तो गाइस, हम ऐसी मेथड सब बिस्किट के साथ यूज़ करेंगे, और आप अपनी मर्जी से भी कोई भी मेथड इसके साथ यूज़ कर सकते हैं डेकोरेशन का बिस्किट के ऊपर। तो गाइस, सो गाइस, मैंने अपने जो है ना कुछ डेकोरेट करे हुए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। गाइस, मैंने जो ना बहुत अलग अलग मेथड्स से बनाए हैं, आप अपनी मर्जी से किसी भी मेथड से बना सकते हैं गाइस। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सो मच थैंक्स, बाय।